इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ट्रांसपेरेंट है और जेल टाइप की इसकी। ये मेरी खुद की परचेज है और मैंने इनको इस्तेमाल किया, मुझे इनके रिजल्ट्स। रिंकल्स का ये होता है कि जब आपकी स्किन पे एक दफ़ा आ जाते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, काफ़ी अच्छा है, स्किन को बहुत अच्छा स्मूथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैया रकील, वेलकम टू अनदर एपिसोड अपने ये रिव्यूज, जहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ, फैशन, ब्यूटी और लाइफ स्टाइल की। जी तो व्यूवर्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो किसी भी स्किन प्रोडक्ट को बाय करने से पहले डाउट में रहते हैं कि हमें ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये हमारी स्किन पे काम करेगा या नहीं काम करेगा, और उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा जो एक रीज़नेबल प्राइस रेंज में एक अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरी खुद की परचेज़ है। हर इंसान के पैसे की और टाइम की बहुत वैल्यू होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान मुश्किल से कमाता है, मेहनत से कमाता है, तो उसको बड़ी अच्छी जगह पे सोच समझ के यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहे। जी तो व्यूवर्स, विंसी की आज ये दो प्रोडक्ट है मेरे पास। बाय द वे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरी खुद की परचेज़ है और मैंने इनको इस्तेमाल किया, मुझे इनके रिजल्ट्स कैसे मिले, नहीं मिले, और आपको इनको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको इन सारे सवालों के जवाब मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो विंसी के बारे में, एक वेल नोन, ऑब्वियसली आप सबको पता है, ब्रांड है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड है तो ये गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले उनका ये सीरम है, वैसे तो मेरे पास इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये दो प्रोडक्ट चूज़ किए हैं, तो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपसे वन बाय वन अपने अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सबसे पहले जी, ये मेरे पास इनका हाइड्रेटिंग सीरम है, ये आप देख लीजिए ये। ओके, तो ये जी हाइड्रेटिंग आई रिकवरी सीरम है, इसके ऊपर मेंशन है रिड्यूसेस डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस। ओके, तो 15 ml की ये पैकेजिंग में आता है, ट्यूब लाइक इसकी पैकेजिंग है, और इसके ऊपर जी लिखा हुआ है आप इसको यूज़ करेंगे, यूज़ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, और ये एवरी स्किन टाइप के लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। जी तो ये पैराबिन फ्री है और ये XXX प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन को बूस्ट करता है। ओके, तो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ट्रांसपेरेंट है और जेल टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी है, जैसे एग वाइट होता है बिल्कुल वैसे ही, और ये काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, क्विकली स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, और इसको लगाने के बाद आपको टाइटनिंग इफ़ेक्ट भी मिलता है। तो ये इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो ऑब्वियसली तब आज से काफ़ी टाइम पहले, तो उस टाइम इसकी प्राइस आई थिंक मुझे ये 1100 के अराउंड मुझे मिला था। अब करंट जो प्राइस जो भी होगी, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना इसका वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दूंगी, उसकी प्राइस भी, अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो ये काफ़ी यूज़फुल है गाइस, बहुत अच्छा है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट मेरे पास इनकी ये क्रीम है, परफेक्ट 30s रिंकल क्रीम। ओके, तो ये परफेक्ट 30s का मतलब ये है कि आप 30 से लेके 39 ईयर्स तक के जो लोग हैं, या चलें इवन 40 कर लीजिए, तो वो लोग, उन लोगों के लिए सूटेबल है। और रिंकल्स का आई डोंट नो, कि मुझे कोई ऐसा, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी स्किन पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी से रिंकल्स नहीं हैं, और मुझे कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि ये रिंकल्स पे भी काम करता है या नहीं काम करता है। तो और व्यूवर्स, रिंकल्स का ये होता है कि जब आपकी स्किन पे एक दफ़ा आ जाते हैं तो वो आ जाते हैं, फिर वो किसी आप ट्रीटमेंट कराएँ किसी डर्मेट के यहाँ जाके, तब भी पॉसिबल है कि वो आपके रिंकल्स जो है रिमूव हो सकें। तो इससे अच्छा है कि आप अर्ली एज में अपनी स्किन केयर जो है करनी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी स्किन पे जो रिंकल्स हैं वो देर से आएँ, और आप जो है बहुत सारी इन झंझटों से बच जाएँ, और आपके पैसा भी ओबियसली खर्च होने से और ऐसी जगह पे जो है लगाने से आप बच सकें। तो अब इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, कि ये प्रोडक्ट ये देख लीजिए आप, कुछ इस तरह से दिखता है, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये मेरी थर्ड या फोर्थ पैकिंग है, बॉटल है, जार है, पहले ये ट्यूब में आता था, अब ये जार पैकेजिंग में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, क्विक अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, और ऐसा नहीं है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप इसको ऑयली स्किन के लिए नहीं लगाएंगे या ड्राई स्किन वाले नहीं लगाएंगे।
तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, काफ़ी अच्छा है, स्किन को बहुत अच्छा स्मूथ मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर देता है। और इसको लगाने के बाद जो है ना काफ़ी अच्छी और स्मूथ स्किन और हाइड्रेटेड स्किन लगती है। ऑब्वियसली आप इसको लगाएंगे रात में और फिर ओवरनाइट के लिए आप इसे छोड़ देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये था मेरा आज का वीडियो जो इन दो प्रोडक्ट्स को लेके मैंने आपके साथ शेयर किया। जी तो व्यूवर्स, आपको मैं अपनी अपकमिंग वीडियो के बारे में बताती जाऊँ कि मेरा जो अब आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम ऐसा एक स्किन केयर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको जो एक लेस इज़ मोर कॉन्सेप्ट के साथ है कि कम चीज़ों के साथ और कम प्रोडक्ट के साथ अपनी एक आप सिंपल स्किन केयर रूटीन या एक रेजीम आप बना सकते हैं। तो ये देखने के लिए जो है आप मेरे स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।